Good morning, dear students. Am I audible and visible to you all? Good morning. Oh ho, Jehan, how are you? Seeing you after a very long time. Actually, heard you after a very long time, not seen you. Okay, dear. So, I am completely audible and visible. Where are your other friends? Let everybody join, then we will start the class. Today's class will be basically on a revision basis because we have already completed our syllabus, so today we will revise. I'm fine. Good afternoon, everybody. Good afternoon, my dear children. Yes. First of all, mute your audio, students. Then only we can revise properly. Tomorrow also we have class. Tomorrow we will again revise. Today we will revise. And in this way, I will make you very much strong in this Hindi part. Okay. Why so less students are there today? Where are our other students? Srijan has come, no? Are Srijan, you have changed your name. You are no more Shostika. We will not call you Shostika anymore. Okay, jokes apart, student, chaliye jaldi jaldi shuru ho jaiye. Bilkul bhi book copy aap log nahi kholenge. Theek hai na? Book copy nahi kholenge. Main keval aap logon se prashn puchungi aur aap mujhe jawab denge. Theek hai? Chaliye shuru ho jate hain. हमने इस बार क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? इस बार हमने मुहावरे लोकोक्ति पढ़ा है और अशुद्धि शोधन पढ़ा है ना? और कुछ पढ़ा है क्या? मुहावरे लोकोक्ति और अशुद्धि शोधन के अलावा हमने क्या और कुछ पढ़ा है स्टूडेंट्स? मुहावरे लोकोक्ति और अशुद्धि शोधन के अलावा हमने क्या और कुछ पढ़ा है स्टूडेंट्स? नहीं, ठीक है. तो चलिए मैं मुहावरे लोकोक्ति और अशुद्धि शोधन से आप लोगों को प्रश्न पूछूंगी. ठीक है. चलिए मैं पूछती हूँ आप लोगों से. शोमिली बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योर माइक्रोफोन एंड एग्जाम्स विल बी इन्फॉर्म्ड एज इट इज इन्फॉर्म्ड एवरी टाइम. हर बार आपको परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा कब है बता दी जाती है. इस बार भी बच्चों आप लोगों को बता दी जाएगी. ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए मुझे आंसर दीजिए लेकिन चैट में. ठीक है. आंखों में धूल झोंकना का क्या अर्थ है? आंखों में धूल झोंकना का क्या अर्थ है? क्या नो जेहान बेटा, समझे नहीं? द कैमरा इज डिस्टर्बिंग मी. आंखों में धूल झोंकना, जल्दी बताइए. धोखा देना, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. नहीं आरुष,
चकमा, हाँ चकमा देना ठीक है, लेकिन धोखा देना विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके चलिए, वेरी गुड। लेकिन बुक नहीं खोलेंगे कोई। चिकना घड़ा क्या अर्थ है? चिकना घड़ा बताइए, चिकना घड़ा। सृजन का जवाब मिला है, अच्छा शोमिली का भी जवाब मिल गया है। ओके आरुष का जवाब मिला, ठीक है। आयुषी का जवाब मिला, जेहान का जवाब मिला, ठीक है। हाँ सभी का जवाब सही है, शोमिली आपका जवाब भी सही है, लेकिन आप जरा सोचिए, बार बार समझाने पर नहीं समझने का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार समझा रहे हैं फिर भी वह नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका भी सही है, बस इस वाक्य को थोड़ा बदल कर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आप लोगों को अर्थ बताऊंगी और आप लोग मुझे मुहावरा बताएंगे। सच्चाई का पता चलना, कौन सा मुहावरा होगा? सच्चाई का पता चलना, सच्चाई आंखें खुलना, अच्छा जहान का जवाब मिलता है। आगे देखते हैं, ठीक है शोमिली का जवाब मिला। कौन सही है कौन गलत है मैंने नहीं बताया है, इसलिए अगर एक जन ने जवाब दिया है बाकी सबको अगर अलग जवाब लग रहा है तो आप अलग भी लिख सकते हैं। ओके आयुषी का जवाब मिला, अच्छा सृजन का, आरुष का, सबका जवाब मिल गया है। तो स्टूडेंट्स आंखें खुलना इज द करेक्ट आंसर, आंखें खुलना ही होगा, वेरी गुड। एवरीबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ओहो हिंदी फॉन्ट, वेरी गुड आयुषी, करेक्ट आंसर। अच्छा खुशियां मनाना, इसके लिए कोई मुहावरा बोलिए। खुशियां मनाना, शोमिली एंड आरुष हैज गिवन मी द आंसर। नाउ सृजन हैज ऑल्सो गिवन द आंसर। अच्छा ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया है, घी के दिए जलाना खुशियां मनाना, बिल्कुल सही जवाब स्टूडेंट्स, वेरी गुड करेक्ट आंसर। अच्छा चलिए अब मैं पूछती हूँ आप लोगों से, सारा दिन चलते चलते हमारा डैश हो गया, सारा दिन चलते चलते हमारा डैश हो गया, क्या हो गया? यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जवाब दीजिए, सारा दिन चलते चलते हमारा मेरा नहीं हमारा डैश हो गया।
ठीक है, शोमिली ने जवाब दे दिया है। कोई भी बुक नहीं खोलेगा, बार बार बोल रही हूँ यहाँ पर, आप लोगों को पता नहीं था, मैं सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई भी जज नहीं करेगा कि आप मिस्टेक क्यों कर रहे हैं, मिस्टेक से ही आप सीखेंगे। ठीक है, आरुष, जेहान सब ने जवाब दिया है। और ठीक है, शोमिली का जवाब मिला है। शोमिली आपने दो बार दो जवाब दिया है, कौन सा जवाब करेक्ट लें आपका? अच्छा, किसका माइक्रोफोन ऑन है? ऑफ कीजिए। ठीक है, तो अंग अंग ढीला होना विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप गलती कर रहे हैं, ऐसे सीखेंगे तो क्या होगा जानते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपको एग्जाम के टाइम पर ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही याद रहेंगे। ठीक है, चलिए। अमन ने शिक्षक से मेरी शिकायत डैश की। अमन ने, ध्यान से सुनिएगा, अमन ने शिक्षक से मेरी शिकायत डैश की। ठीक है सृजन बेटा, करेक्ट आंसर है। रजत, आपने काफी दिन क्लास नहीं किया था, क्या बात है? अच्छा शोमिली, ठीक है, जवाब मिला है सृजन का। मैंने कुछ पूछा रजत आपसे, आप इतने दिन एब्सेंट क्यों थे? ठीक है, सृजन, सौमिली ने आंसर दिया है, सबको आंसर देना है, जितने स्टूडेंट्स हैं जो सही लग रहा है दीजिए। मैं प्रश्न को रिपीट करती हूँ। अमन ने शिक्षक से मेरी शिकायत डैश की। अमन ने शिक्षक से मेरी शिकायत डैश की। वेयर इज शोमोजीत, कन्नन एंड रजत, व्हाट हैपेंड? आंसर मी फास्ट। रजत क्लास नहीं कर रहा है, लेकिन रजत को तो ऑनलाइन दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, सृजन
सृजन आंसर दीजिए। सृजन ने आंसर दिया है। अच्छा सृजन ने आंसर दिया है। किसने आंसर नहीं दिया है? सौम्यजीत ने आंसर नहीं दिया है। सौम्यजीत बेटा आंसर दीजिए, देर मत कीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। चलिए नमक मिर्च लगाना इज द करेक्ट आंसर। ओके एवरीबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए आप। क्या बेटा दोनों चीज एक साथ मत कीजिए, ठीक है सौम्यजीत? अगर कोडिंग क्लास करना है तो कोडिंग क्लास कर लीजिए और इस क्लास को यूट्यूब में देख लीजिएगा, ठीक है? दोनों एक साथ मत कीजिए, आप कोई भी चीज ठीक से नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना? चलिए अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसको इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, ठीक है? अच्छा सृजन आई हैव गॉट योर आंसर। एनीबडी एल्स वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन? और कोई इस प्रश्न का जवाब देना चाहता है? अच्छा शोमिली, चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। सृजन शौमिली दोनों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ कन्नन बेटा सही आंसर है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, ठीक है? अच्छा अब मैं एक अर्थ बता रही हूं, आप लोग उस अर्थ को सुनकर उसके लोकोक्ति को लिखेंगे, मुहावरे को नहीं लोकोक्ति को। एक गलत व्यक्ति सबको नुकसान पहुंचाता है। एक गलत व्यक्ति सबको नुकसान पहुंचाता है। अच्छा आरुष ने जवाब दिया है।
अच्छा सृजन का जवाब मिला है, शोमिली ने जवाब दिया है। चलिए विद्यार्थियों ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं ही आप लोगों को उत्तर बता देती हूँ। यहाँ जो जो उत्तर मुझे मिला है इनमें से करेक्ट आंसर केवल सृजन का है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है, सुन लिया सबने, तो अच्छे से पढ़िए, कल फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों से कि मैं ग्रामर का क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि टेक्स्ट का क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगी लेकिन कहाँ से ये नहीं बता रही हूँ, आप लोग प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है, हो जाएगा तो फिर आप लोगों का इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम से पहले प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जल्दी जल्दी मुझे अपना अटेंडेंस दे दीजिए, वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। ओके सृजन, यू आर मोस्ट वेलकम। So Srijan is present, that I am getting from his reply. Are you she? Srijan. Kannan, Shomili, Arush, ठीक है, चलिए तो सबके अटेंडेंस मिल गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की कक्षा यही समाप्त करेंगे, कल के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।